मिनट पर खरगोन के निवाली में भी जनसभा करेंगे। दोपहर 1:45 पर बड़वानी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल आज सीएम मोहन यादव का रहने वाला है। और बेहद खास हो जाता है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए लगातार यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे तमाम केंद्रीय मंत्रियों का पहुंचना हो मध्य प्रदेश के दौरे पर या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए। चूंकि तीसरे चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, अब चौथे चरण की बारी है और तमाम दिग्गज जो है चौथे चरण के लिए चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव का भी आज खंडवा, खरगोन, देवास दौरा है। 3 जिलों का दौरा आज करेंगे सीएम मोहन यादव। बेहद खास उनका यह दौरा माना जा रहा है, खास इसलिए क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए उनका इन 3 जिलों में दौरा है और यहाँ पर भारी संख्या में आदिवासी वोट बैंक है। सीएम मोहन यादव यहाँ पर पहुंचकर सरकार की तमाम योजनाएं और अभी तक के किए गए कार्यों को बताने की कोशिश करेंगे लोगों के बीच। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप शब्बीर, 3 जिलों का दौरा है आज सीएम मोहन यादव का, क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन? देखिए, हिमानी बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे की, तो अलग अलग लोकसभा में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ देवास में उनका रोड शो भी होने वाला है। चाहे हम खरगोन की बात करें या फिर हम बड़वानी की बात करें या फिर हम खंडवा की, देवास की जो बागली सीट है वहां की बात करें, ये तीनों के तीनों जिस इलाके में आज प्रचार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आएंगे, ये आदिवासी बहुल है। इसमें से 2 सीटें तो आदिवासी बहुल है, लेकिन खंडवा सीट की बात की जाए तो खंडवा सीट जो है वो सामान्य वर्ग के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी देवास की जो बागली सीट है, विधानसभा सीट है, ये एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। और अगर बीजेपी को चौथे चरण में अगर सबसे ज्यादा चुनौती है तो आदिवासी वोट बैंक के लिए ही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से पूरा रोडमैप तैयार किया गया है कि आदिवासी सीटों पर ही बीजेपी के बड़े नेताओं को, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां पर प्रचार प्रसार आखिरी समय पर किया जाए। 13 मई को चुनाव होने हैं और उससे पहले अगले 2-3 दिन के अंदर यहां पर धुआंधार प्रचार होता हुआ नजर आएगा। तो उसी के मद्देनजर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अलग अलग जगह पर पहुंचेंगे और प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।